तो दोस्तों, आज का टॉपिक है यार, जिसको आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा यार। मैं बार बार क्यों बोलूँ, लेकिन अब यार ये ऐसा टॉपिक है ना, जिसके बारे में कई यूट्यूबर्स ने पहले ही वीडियो बनाई रखी है। मतलब इतने वीडियो है कि आप सर्च करोगे ना तो मेरा वीडियो शायद कभी जिंदगी में ना मिले आपको। पर यार अब मैं भी बना ही लेता हूँ, तो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं एक ऐसे सीरियल से जिसको देखने के लिए आपको अपने दिमाग को एक लॉकर में बंद करके रखना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग पे इसका असर ना पड़े। तो पहला सीरियल है साथ निभाना साथिया। वही द वर्ल्ड फेमस सीरियल। तो यार सीन ये है कि शो में स्टोरी कम और थप्पड़ ज्यादा है। हर दो एपिसोड पे कोई ना कोई एक दूसरे को थप्पड़ मारे जा रहा है। और यार ये भी नहीं कि ये लोग एक बार थप्पड़ दिखा के खत्म करें, नहीं, हर एंगल से इनको थप्पड़ दिखाना है। लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, जो भी एंगल मिला थप्पड़ घुसा दो, दिखा दो सबको। और क्योंकि इनको अपना एपिसोड लंबा करना है, स्टोरी है नहीं, थप्पड़ कितनी बार दिखाओगे भाई, थक जाओगे। तो इन लोगों के पास एक सुपर सोल्यूशन होता है, जो है चेहरे। यस, अगर यहाँ पर सेट पे 100 लोग हैं तो ये लोग 200 लोग का चेहरा दिखाएंगे। कैसे? सबके चेहरे पे दो बार घूम कर। पर यार शो को भी कुछ कह नहीं सकते, सब एक्टर को पैसा दिया है, अब उनसे पैसा वसूल करने के लिए उनका स्क्रीन टाइम तो दिखाना पड़ेगा ना, फ्री में कौन पैसा देता है आजकल। तो बढ़ते हैं अगली शो की तरफ, जो कि है नागिन। तो भैया अगर इस शो को तुम लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आता है कि इट इज अ सुपर नेचुरल फैंटसी थ्रिलर। मतलब कुछ भी कुछ भी। भैया थ्रिलर का मतलब होता है कि इट मस्ट हैव अ एक्साइटिंग प्लॉट। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। काय का एक्साइटिंग प्लॉट है यार इसमें, वही घिसी पिटी स्टोरी। बस इसमें एक ट्विस्ट होता है कि इसमें एक नागिन होती है। अब यार पता नहीं ये शो किसको इतना पसंद आता है, किसके 5 सीजन बना रखे हैं यार। मतलब यार किसको इतना मजा आता है। हाँ, जिसको भी मजा आता है तो इस दुनिया का नहीं है यार। तू जा जादू के साथ, प्लीज प्लीज। तो यार बढ़ते हैं तीसरे शो की तरफ। जो कि है ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ यार वही शो जो कि इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज है। तो यार इस शो का ये है कि ये शो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है, इसे लोग की शादी करवाने के लिए बना है। और यार इस शो में इतनी शादियां हो चुकी हैं तो पूछो मत, यहाँ तक कि मेन कास्ट की 4थी बार होने वाली है। कैन यू इमेजिन, 4th टाइम। अब तो यार मुझे लगता है लोग शो नहीं मैटरमोनी वाले हैं। मतलब कि यार इन लोगों ने 11 साल में 3 जनरेशन दिखा दिए। नो वंडर कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी फास्ट क्यों बढ़ रही है, ऐसी लोगों की वजह से। अब यार वीडियो के आखिरी शो की तरफ बढ़ते हैं, द वन एंड ओनली ससुराल सिमर का। यार मेरे पास इस पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, आदमी बोले तो क्या बोले ऐसे घटिया स्टोरी लाइन पे। सोचो पूरे एपिसोड में क्या दिखाएंगे, क्या चम्मच नोटिस हुआ कि नहीं। जो लिखता है ना, ये जो स्टोरीज लिखता है, सबसे बड़ा चोपड़ी है ये। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोग को बोल देता हूँ कि मेरे से चोपड़ी का मतलब मत पूछना, तुमको जो इसका मतलब निकालना है निकाल लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अरे वाह, विलन इतने धीरे मार रहा है। माय गॉड भैया, इतने धीरे फेंकोगे ये लोग भाग सकते हैं। अरे भागो यार, अरे खड़े होकर देख क्यों रहे हो, भागो। अरे चलो चलो अटैक मारा उसका काउंटर।
ओ माय गॉड, कोई भागेगा नहीं। अरे भागो यार, खड़े होकर देख के रहे हो, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ए शिट यार, बेचारे मर गए होंगे। रेस्ट इन पीस गाइस। रुको जरा, सबर करो। व्हाट, ये लोग एक्सप्लोजन से भी नहीं मरते? क्या चाहिए इन लोगों को? भैया ऐसा कौन सा अमृत पी लिया तुम लोगों ने? यार ये तो बस कुछ ही शो है, ऐसे कितने सारे शो इंडिया में बनते हैं। लेकिन यार इससे ज्यादा ना तुम सहन कर पाओगे और ना ही मैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस तुम लोग को और चाहिए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर बजा देना, ठीक है? ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम लोग को मजा आया।